ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। दिल्ली के वड़ा पाव गल की जो लड़ाई है वो और रोचक हो गई है। ये लड़ाई अब केवल चंद्रिका वड़ा पाव गल और उसकी सहानुभूति के सामने है। सिस्टम क्या, सिस्टम सहानुभूति से चलेगा, मनमानी से चलेगा? इस वक्त मैं मौजूद हूँ केशवपुरम इलाके में, जहाँ जो दिल्ली MCD का जो जोन है, इस जोन में यहाँ के जो आसपास के रेजिडेंट हैं वो यहाँ DC के पास कंप्लेंट देकर के आए हैं। इससे पहले वो कई नेताओं से मिल चुके हैं, निगम पार्षद से मिल चुके हैं, वहाँ पर न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है लगातार। इस तरह की शिकायत RW कर रही हैं, लेकिन प्रशासन है कि कुछ करने को तैयार नहीं है। कोई कहता है कि डरा हुआ है प्रशासन, तो किसी का कहना ये है कि उसकी लोकप्रियता के सामने वहाँ पर जो मीडिया का जमावड़ा होता है उस वजह से प्रशासन, पुलिस प्रशासन उस पर एक्शन लेने से कतरा रहा है। इस वक्त वही लोग मेरे साथ मौजूद हैं। आप बताइए कि आप तो मिलकर के आए हैं DC से, क्या कहा है उन्होंने आपको? जी, मैं बन्नू इनक्लेव सोसाइटी का सेक्रेटरी हूं। अभी हम लोग मिल के आए हैं, उन्होंने सिर्फ आश्वासन ही दिया है। आश्वासन तो कई दिनों से मिलता आ रहा है, कभी किसी नेता से RDC ऑफिस से भी देख लिया, उन्होंने कोई प्रैक्टिकल डेट हमें नहीं बताई है कि हम इस तारीख को एक्शन ले लेंगे। हालांकि हमने अपनी तरफ से कहा है कि बुधवार को वो लोग नहीं आते हैं, क्योंकि बुध बाजार लगना होता है। वी विल टेक एक्शन। वो एक्शन कब होगा, कब उसके ऊपर मामला जुड़ेगा, कब उसको हटाया जाएगा, कब ये न्यूसेंस क्रिएट होना बंद होगा, इसका आश्वासन ही है और कुछ भी नहीं है। क्या आपको ये लगता है कि इतनी बड़ी समस्या है कि एक जो महिला है, जो लोग कहते हैं कि भाई ठीक है, कमा के खा रही है और मेहनत करके खा रही है, सहानुभूति उसके साथ है, यूट्यूबर्स उसके साथ हैं, क्या इतनी बड़ी समस्या कि इसको टॉलरेट नहीं किया जा सकता? सर, पहले तो मुझे ये जानकारी चाहिए कि उनके पास लाइसेंस है। आज MCD लाइसेंस के बिना तो किसी को काम नहीं करने देती, फिर ये कैसे? दूसरी बात, ये रोड हमारी अप्रोचिंग रोड है। यहाँ पे आप गए हैं नहीं गए मुझे नहीं आइडिया, अगर गए हैं तो गया हूँ वहाँ पे, ठीक है। अप्रोचिंग आपने देखा होगा कि जाम ट्रैफिक का कितना लग जाता है। दूसरा, हमारे साथ जो बच्चे हैं सोसाइटीज़ के आसपास की, उनके जहाद में जो लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, लेडीज, उनकी सिक्योरिटी के ऊपर कितना फ़र्क पड़ेगा? हम लोग जाम से निकल नहीं पाते हैं, गाड़ी लेके निकल जाए तो हम निकल नहीं पाते हैं वहाँ से। सामने ही स्कूल है, राइट? अब किसी वजह से कोई वारदात हो जाती है तो हु विल रिस्पॉन्सिबल कौन बनेगा? प्रशासन तो कहता है कि हम एक्शन लेंगे, कब लेंगे कुछ नहीं पता। चलिए, एक और मनोज शर्मा है, उसी इलाके के रेजिडेंट भी है ये। आपको क्यों लगता है कि इतना देर क्यों हो रहा है, प्रशासन उस पर एक्शन लेने से इतना खतरा क्यों रहा? एक्चुअली क्या हुआ है कि वो इतना वायरल हो गई है, वहाँ यूट्यूबर आ गए हैं, वो उनको और लगातार वायरल करते जा रहे हैं, और हमें ऐसा लगने लगा है कि वो एक सहानुभूति लेने के लिए अभी तक रेडी पे बैठी हैं। उनके वीडियो देखिए, उन्होंने अपने वीडियोस में खुद ये बोला है कि मुझे ऑप्शन मिला कि मैं शॉप पे चले जाऊं, बट मैं शॉप पे नहीं जाना चाहती, मैं तो रेडी पे रहना चाहती हूं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो एक विक्टिम कार्ड खेल रही हैं। उन्हें पता है जब तक एक लड़की सड़क पे रेडी पे मेहनत कर रही है, ये सब सुन के लोग आना चाहेंगे, शॉप पे चली जाएंगी तो शायद ये भीड़ कम हो जाएगी। इस चीज़ को यूज़ करने इसको भुना रही हैं। और इसमें हैरानी की बात यह है कि जब हम निगम पार्षद से, यहाँ के लोकल निगम पार्षद से मिले, तो उन्होंने भी अपनी असमर्थता दिखाई। उन्होंने कहा कि मेरा MCD का जो स्टाफ है वो वहाँ जाने से कतरा रहा है, क्योंकि वहाँ यूट्यूबर खड़े हैं, वो जाते ही वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक बोला कि मेरा MCD का स्टाफ वहाँ से पिटाई खा के वापस आया है। और पुलिस का तो पहले से ही पता है कि पुलिस में, जो पुलिस वहाँ पर उन्हें हटाने गई थी एनक्रोचमेंट को, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि इन्होंने रिश्वत मांगी है, तो उनको तो लाइन हाजिर कर दिया गया। ऐसे में हाल ये हो गया है कि प्रशासन उनके पास जाने से डर रहा है, उनके सेलिब्रिटी स्टेटस की वजह से डर रहा है। अभी हम यहाँ पर मैडम के पास आए हैं, ये बंदना राव जो IAS ऑफिसर हैं, DC मैम, और इन्होंने भी बस एक गोलमोल बात कर दी, ऐसे टाल दिया, हम एक्शन लेंगे। ये तो 25 दिन हो गए, हम वहाँ पर DCP ऑफिस जा चुके हैं, हम लोकल निगम पार्षद से मिल चुके हैं, हम यहाँ
एमसीडी ऑफिस भी अब आ गए, बट हर कोई चाहता है कि इस बात को दूसरे के ऊपर टाल दिया जाए ताकि उसकी पॉपुलैरिटी का हमारे ऊपर कोई वो इल्ज़ाम हम पे ना आ जाए कि हमने उसे उठवा दिया। सबसे बड़ी बात सर, मैडम डीसी मैडम को ये ऑलरेडी पता है कि वहाँ पे ये न्यूसेंस क्रिएट हो रही है, आज तक तो एक्शन नहीं हुआ। अभी हम 4 सोसाइटियों के लेटर वहाँ पे गए हैं, तो क्या अब एक्शन होगा ये भी हमें डाउट है, क्योंकि जब उन्हें पहले से इस चीज़ का ज्ञान है तो उन्होंने कोई एक्शन तो लिया नहीं ना अब तक तो ले लेना चाहिए था। तो अब जब जानते हुए भी एक्शन नहीं लिया, क्या वो हमारे लेटर्स की वेट कर रहे हैं? जब लेटर देंगे तो ये होगा एक्शन, और वो भी हमें टाल दिया गया कि एक्शन लिया जाएगा, कब लिया जाएगा? अच्छा, उसमें अगर बात की जाए, सारी जगह यही हो रहा है, पूरी दिल्ली के अंदर जो जितने भी वेंडर्स बैठे हैं, रेडी पटरी खोमचे वाले जो बैठे हैं, लाइसेंस किसी के पास नहीं है, इवन सरकार गंभीर भी नहीं इसमें अगर एक इसको हटाया जाता तो वो खुद कहती है कि पूरी दिल्ली के हटा लो पहले, उसके बाद मुझे हटाना। अगर एक्शन भी हो तो यूनिफॉर्मली होना चाहिए ना, केवल एक महिला को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? इस तरह की बातें करने वाले भी बहुत लोग हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम वहाँ के रेजिडेंट हैं, हमें परेशानी अभी एक जो एक रातों रात एक फूड स्ट्रीट मार्केट डेवलप हो गई है, हमें परेशानी उससे हो रही है। खुले में एक रेडी वहाँ 3-3 सिलेंडर लगा रही है, वहाँ पर तेल की कढ़ाइयाँ हैं जिसमें किसी ने गुब्बारा फेंका, जिससे वो खुद दिखाती हैं कि मेरा हाथ जल गया, और उन्होंने पुलिस पर इल्ज़ाम लगा दिया ये वाला कि पुलिस ने ये गुब्बारा फेंका तेल के अंदर। अब रातों रात एक मार्केट, इतनी बड़ी मार्केट वहाँ डेवलप हो गई है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वहाँ पर खड़ी हो गई है। हम लोग उस जो ये वड़ा पाव गर्ल है, हम उसके अगेंस्ट नहीं है, हम चाहते हैं कि उनको एक अल्टरनेटिव जगह मिल जाए जहाँ उनके लोग आ सकें, 100 गाड़ी आए चाहे 500 गाड़ी आए, वहाँ 1000 लोग आए, हमें उससे मतलब नहीं है। जगह तो अल्टरनेट अब एक पर्टिकुलर को तो नहीं मिल सकती ना, ये तो पॉलिसी है, वेंडिंग कमेटी का भी गठन हुआ है इस काम के लिए, वो काम नहीं कर रही है। अभी केजरीवाल ने भी कहा है कि सारे के सारे वेंडर्स को जो है ना उनका सर्वे होगा, तो तब तक के लिए शायद प्रशासन उनको रिलीफ देना चाह रहा हो कि जब तक वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट होती है, शायद इस वजह से वो उस गर्ल्स को भी अनदेखा कर रहे हो, वड़ा पाव गर्ल्स को भी। एक्चुअली हमें ऐसा लगता है कि ऐसी रेड़ियाँ तो लाखों हैं दिल्ली में, तो लाखों लगी हुई हैं, बट जिस तरीके की भीड़ यहाँ आई है, जैसे एक वहाँ पर तहलका चैनल हैं, उनके लोग वहाँ लग गए हैं, उनका पूरा ट्रैफिक मैनेज करने के लिए लग गए हैं, जितना अटेंशन, जितना मीडिया अटेंशन, जितना यूट्यूबर्स का अटेंशन उनको मिल रहा है, और उसकी वजह से जो भीड़ लग रही है, परेशानी वहाँ हो रही है। ये एक आम रेड़ी पटरी के साथ नहीं होता है, वो एक लड़की है जिसको लोग वहाँ बहुत खुल के, हम तो वहाँ के रेजिडेंट हैं, लोग खुल के बोलते हैं हम तो लड़की देखने आ रहे हैं, वड़ा पाव तो सब जगह मिलता है। तो ये जो एक एक्स्ट्रा अटेंशन है, ये जो एक लड़की होने का फ़ायदा वो उठा रही हैं और साफ बोलती हैं अपनी रील में, हम आपको वो रील दिखा सकते हैं जहाँ वो साफ कह रही हैं कि मुझे ऑप्शंस मिले हैं मगर मैं नहीं जाऊँगी, मैं तो रेडी पे ही काम करूँगी, बिकॉज रेडी पर उनको वो अटेंशन मिल रही है, वो सेल मिल रही है जो उन्हें कहीं और नहीं मिलेगी। तो लोगों को तो अच्छा ये भी देख कर लगता होगा कि ठीक है, एक लड़की एक महिला है और किस तरह से उसने एक स्टार्टअप शुरू किया, पॉपुलरिटी हो गई, कामयाब हो गई, तो ये देखने भी आते होंगे लोग बस। इसमें यूट्यूबर्स आते हैं, उनको टीआरपी मिल रही है, जरूर आते होंगे, बट फिर ये प्रशासन की तरफ से ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? अगर मैं या मोंगिया जी आज वहीं पर रेडी लगा लें या कहीं भी और लगा लें तो प्रशासन 2 मिनट में उठाने के लिए आ जाएगा। तो ऐसा इतना क्या घबरा गया है प्रशासन कि उनको एक जो एक यूट्यूबर की तरफ से जो पॉपुलैरिटी गेन जो एक वेंडर है उसको उठाने में उन्हें इतना दिक्कत हो रहा है, चाहे उसकी वजह से चुनाव का माहौल है, हो सकता है कि इस वजह से भी पॉलिटिकल प्रेशर हो कि उसको आचार संहिता तो अब लगी है। नहीं, आचार संहिता के बाद नहीं, चुनाव नज़दीक हैं, वो इस तरह के एक्शन लेकर के जो रेडी पटरी के और सारे बहुत सारे लोग हैं या यूट्यूबर से, वो उनसे नहीं चाहते होंगे कि उन्हें कोई नुकसान हो। सर, इससे पहले भी वो कहीं लगाती थी, वहाँ से उसको हटाया गया, उससे पहले सुनने में है कहीं रोहिणी में लगाती थी, वहाँ से हटाया गया। तो आपने एक सवाल पूछा था कि इसके साथ ही क्यों, पहले वो कहती है कि दिल्ली की सारी हटाओ, इसका मतलब तो ये हो गया कि एक आदमी गलत है तो मैं भी गलत हूँ, पहले तुम पुराने वाले को हटाओ तब हम हटेंगे, इसका मतलब तो कोई भी इस तरह से रेडी पटरी लगाता तो जाए। दोष ये सिस्टम का ही तो है, या तो इलीगल कुछ भी ना लगे, ऐसा तो नहीं हो, पिक एंड चूज तो नहीं हो सकता ना सर। पिक एंड चूज वाली बात तब आती है जब पहले को देख के दूसरा ना लगाए, तो समझ आता कि भाई एक चीज है। अब पहले को उसने देख लिया, उसने लगाया तो मैं भी क्यों ना लगाऊं, मैंने लगाया तो ये क्यों ना लगाए, तो ये कोई तरीका नहीं। और हम सबसे बड़ी बात सर, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई, सिलेंडर
जो उनके बाहर रखे हुए हैं, कोई हादसा हो गया, हु विल रिस्पॉन्सिबल। दूसरी बात, अभी बताया कि कढ़ाई के ऊपर जैसे गुब्बारा फेंका गया, गरम तेल है, किसी के ऊपर पड़ गया या वहाँ पे किसी जो उनके कस्टमर ही आए उन पे ही पड़ गया, तो हु विल रिस्पॉन्सिबल। उसकी तो व्यवस्था बना रहे हैं, जैसे बताया कि वो जो तहलका वाले हैं वो भी व्यवस्था बना रहे हैं, ट्रैफिक भी कर रहे हैं। जब ट्रैफिक होता है वो ट्रैफिक के लिए तो रास्ता बना रहे हैं, इसका मतलब उनको अप्रोच, उनको और लीगलाइज करने के लिए वो तहलका वाले आ रहे हैं कि नहीं जी ये तो काम करेगी, ये तो हम प्रशासन को भी देख लेंगे। इसका कहने का मतलब तो इनडायरेक्टली तो यही हो गया ना, ये बेसिकली प्रशासन को ब्लैकमेल करना हो गया। और तहलका वाले कितने दिन आएंगे, और अगर ऐसा है कि क्योंकि कोई भी सेल्फलेसली तो आके किसी के लिए खड़ा नहीं हो जाएगा, तहलका वाले वहां पर और भी हजारों वेंडर्स हैं उनके लिए क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं, वो यहां पर आके खड़े हो रहे हैं। अगर ये जो वड़ा पाव गर्ल है, अगर वो इनको अफोर्ड कर सकती है तो वो एक शॉप क्यों नहीं ले सकती। हमारा ये बस हमारा ये मानना है कि हम उनके अगेंस्ट नहीं है, उनकी पॉपुलैरिटी चलती रहे, वो अपना और भी अच्छा बिजनेस करे, बट वो एक शॉप ले सकती हैं, वो 50,000 लाख रुपए रोज की सेल कर रही हैं, वो एक शॉप क्यों नहीं ले सकती हैं। ये एक कैसी जिद है कि मुझे रेड़ी पर ही काम करना है, और उनको देखा देखी रेड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं वहाँ पर। तो इस तरीके से अगर दिल्ली में ऐसा, अगर इनको एग्जाम्पल एक मान लिया गया और प्रशासन ऐसे ही डरता रहा, तो फिर तो दिल्ली जंगल बन जाएगा, यहाँ कोई अंत ही नहीं होगा इसका। फिर तो हर कोई, हम भी अपने अपने काम छोड़ के, नौकरियां छोड़ के, हम भी रेडियां लगा लेंगे। सब अगर इसी सक्सेस के हिसाब से चलने लगे, फॉर्मूला के हिसाब से, तो नहीं तो फिर इसमें कसूर क्या है। वो जो हजारों लाखों लोग हैं जो रोजी रोटी कमाना चाहते हैं, एमसीडी उनको लाइसेंस देती नहीं है, जगह उनको देती नहीं है, व्यवस्था उनकी बनाती नहीं, काम करना चाहते हैं, सरकार के पास काम नहीं है। आप भी अपनी जगह, आपके सवाल बड़े लॉजिकली है, सही है, तो दोष किसका है, सिस्टम का है या किसका है, मतलब एग्जैक्टली। बट अभी क्या हुआ था रिसेंटली, जब मोदी जी या केजरीवाल की भी स्कीम अनाउंस हुई या जो भी उन्होंने अनाउंसमेंट किया, तो सबको बुलाया गया अपने आधार कार्ड लेके जाइए, मगर ये लोग नहीं गए। इनका मानना है कि हम अब इतने बड़े हो चुके हैं कि हम जहां लगाएंगे हम वहां पर ही काम करेंगे, और हमें किसी से कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, उनसे पूछा गया, उन्होंने अपनी वीडियो में बोला है कि मेरे पास फूड लाइसेंस है। हमने खुद उनसे पूछा, अगर फूड लाइसेंस है तो आप दिखा दीजिए, तो उनका कहना है कि नहीं, मैं दिखाऊंगी नहीं, ये फूड लाइसेंस मैं दिखाऊंगी नहीं। हम वहां के रेजिडेंट हैं, हम जगह जगह भटक रहे हैं, हम DCP ऑफिस से लेकर निगम पार्षद शिखा जी के पास गए, फिर उसके बाद DC मैडम के पास आए। हम सिर्फ अपनी बात प्रशासन तक रख सकते हैं, उसके बाद ये प्रशासन की पॉलिसी होगी, वो किस तरीके से इनको स्थापित करेंगे ये प्रशासन जानेगा, हम सिर्फ अपनी बात उनके सामने रख सकते हैं। तो आप क्या लगता है, जो मूड है आपने बात की है, अगर वो नहीं हटती है तो अगला स्टेप क्या होगा? अगर ये प्रशासन नहीं इनको हटा पाएगा, तो फिर हमको खुद सड़क पे उतरना पड़ेगा। शायद हम उनके पड़ोस में, हम भी अब वहाँ रेड़ियाँ लगा लें, शायद हम वहाँ पर धरना करें, हम कुछ आगे का स्टेप सोचेंगे फिर उसके बाद। कोर्ट भी तो ऑप्शन हो सकता है कि उससे और सारे लोगों को राहत मिल जाए, प्रेशर बने। जरूर हम कोर्ट का रुख भी जरूर करना चाहेंगे। चलिए, तो ये थे वो लोग वहाँ के जो उस वड़ा पाव गल के वजह से अच्छी खासी समस्याओं का सामना ये लोग कर रहे हैं, सुरक्षा का सवाल ये खड़ा कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल प्रशासन पर उठता है, सरकारों पर उठता है, कि क्या वो मीडिया के दबाव में चलेगा, क्या वो एक महिला की सेलिब्रिटी होने का या विक्टिम कार्ड वो जो खेल रही है, जो जैसा कि इनका आरोप है, क्या उसके दबाव में काम करेगा। इसमें लॉ और लॉजिक कहाँ है, ये बड़ा सवाल इस वड़ा पाव गर्ल के इस मामले ने पूरी दिल्ली के सामने खड़ा कर दिया है। इसका नतीजा क्या निकलता है ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।